हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सबसे पहले तो स्वस्थ होंगे, बिकॉज अभी तो हेल्थ है तो वेल्थ है। चलिए, तो तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो मेरा वीडियो है वो नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए है, लेकिन अदर देन नवंबर अटेम्प्ट भी ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर उन्होंने SFM की ऑलरेडी तैयारी कर ली है तो ये उनके लिए एक तरह से एडिशनल नोट्स होगा, एडिशनल अपडेशंस होगा, जो कि मैं आपको आपके अटेम्प्ट से पहले भी दूंगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी तैयार हैं SFM के लिए तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बार थोड़ा मैं बात पहले रिपीट कर दूं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा टारगेट 100% SFM में है, नॉट लेस देन एनीथिंग 100%। 100% से कम हमें नहीं चाहिए, हमें 100% चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे काफी स्टूडेंट्स 90, 95, 97, 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आ चुके हैं। डेफिनेटली आपको ये पहले से ही पता होगा, तो अब आपको भी कॉन्फिडेंस है कि हम भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। ये दिखाने का बस यही मतलब है कि आपको कभी कभी डीमोरलाइज हो जाते हो आप, यार हमें तो मिलेगा नहीं, लेकिन CA में तो मार्क्स नहीं मिलते, CA तो बहुत टफ है, वगैरह वगैरह, जो भी नेगेटिव बातें आपके माइंड में चलती है। तो इसलिए दिखाने का बस यही मतलब है कि हाँ, ये पॉसिबल है, स्टूडेंट्स को इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छा तैयार करो, अगर आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने क्लास के मटेरियल को 5 बार रिवाइज कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, हो गया, मान के चल रहा हूं मैं, ये हो चुका है। उसमें हमने 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिस्ट भी बताया है, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने वहां पर नोट्स लिखवाया है, उसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट कहीं भी हमें पीछे नहीं हटना, ताकि क्वेश्चंस कोई भी आ जाए, हम कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने मैंने बताया कि आप अगर और कॉन्फिडेंस होना चाहते हो और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो आप 25 ईयर्स पास्ट ईयर्स पेपर आप कर लीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास पूरा एक कंपाइलेशन है, हालांकि 100% ऑलरेडी कवर्ड है आपके मटेरियल में, लेकिन फिर भी किसी किसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत आती है और मिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा चैलेंज होता है। क्लास में क्या होता है, अगर हम मर्जर कर रहे हैं तो मर्जर के ही सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो के सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तो माइंड में उस तरह से बहुत ज्यादा मेहनत आप नहीं करते कि यार ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्योंकि जब हम फॉरेक्स कर रहे होंगे तो फॉरेक्स ही पढ़ाएंगे, तो उस केस में आप पोर्टफोलियो भूल जाते हैं। बट जब आप ये 25 ईयर्स क्वेश्चन पेपर करते हो तो हर तरह के क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, तब थोड़ा सा और आपको पता चलता है कि आप कितने तैयार हो। ठीक है, फाइन। थर्ड क्या है, थ्योरी पार्ट। प्लीज थ्योरी सीरियसली लीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 out of 100 लाने से बच गए, नहीं ला पाए, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज थ्योरी। एक ही रीजन है बस, और कोई रीजन नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, थ्योरी की मैंने बुक आपको 30 पेज की एक थ्योरी की बुक मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप क्या करो उस 30 पेज की बुक को पढ़ लो, 100% उसी से क्वेश्चन आएगा। और बोलिए और क्या चाहिए आपको, इससे फोर्सफुली तो मैं ज्यादा और नहीं कह सकता। तो 30 पेज अराउंड की थ्योरी है, आपको 25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, और मैंडेटरी है, थ्योरी मैंडेटरी है। पहले क्या होता था, पहले बच्चों को क्यों 100 में 100 बहुत आसानी से आ जाता था, क्योंकि प्रैक्टिकल होते थे और थ्योरी ऑप्शनल होता था। अब क्या है, लेटली 1-2 अटेम्प्ट में देखा जा रहा है कि बच्चे थ्योरी ठीक से नहीं करके जा रहे हैं, जबकि मैं क्लास में बहुत अच्छे से करवाता हूं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेते, लास्ट में आते आते आप इंटरेस्ट खो देते हैं, आपको लगता है यार थ्योरी छोड़ो हम खुद ही कर लेंगे, और फिर आप बोलते हो कल करेंगे, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कल करते करते काल आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये सपना अगर आप अपने लिए देखना चाहते हैं 100%, उसके लिए आपको मेरी थ्योरी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, फाइन। फिर मैंने क्या किया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिविजनरी क्लासेस और नोट्स एंड ऑल, तो देखिए रिविजनरी क्लासेस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, कोई भी होगा वो थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, बिकॉज जो हम 300 से ज्यादा घंटे का जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं क्लास में, रेगुलर क्लास में, वो कभी भी रिविजनरी क्लासेस में आ ही नहीं सकता। ये सारे टीचर्स भी इस बात को मानेंगे। ठीक है, रिविजनरी क्लासेस उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्होंने रेगुलर क्लासेस
कि कोई भी नोट्स फॉलो नहीं किए, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए और रेगुलर क्लासेस उन्होंने अटेंड ही नहीं किए, तो उनके लिए तो मैं मान के चल सकता हूं। लेकिन जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है, और रेगुलर क्लास एक बार करना ही चाहिए, लाइफ में बार बार फाइनेंस पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक से बढ़कर एक टॉपिक है हमारे एसएफएम में। बस आपको बस मेरे हिसाब से चलना है, जैसे मैंने कराया वैसे करना है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने एक बुकलेट बना दिया है, ज्यादा पेज का नहीं है, अराउंड 20 पेज या 25 पेज का होगा, उसको आप पढ़ लीजिए। वो रिविजनरी क्लासेस के बराबर है, समझ रहे हैं आप? रिविजनरी क्लासेस करेंगे अलग से, आप पूरा टाइम उसमें लगाएंगे, उससे अच्छा है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है कि आप एक रिविजनरी, जो मैंने नोट्स दिया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्मलेस बुकलेट बनाए, वो आप पढ़ लीजिए। वो मोर देन इक्विवेलेंट है, प्रोवाइडेड आपने रेगुलर क्लासेस अच्छे से किया हो, ठीक है? चलिए, तो ये बात हो गई। तीसरी, मैंने 151 क्वेश्चंस का मैंने कंपाइलेशन बनाया है, और ये अमेंडमेंट भी है, अपडेशन भी है, न्यू क्वेश्चंस। जैसे आपने 2 साल पहले क्लासेस लिया होगा, या 1.5 साल पहले क्लासेस लिया होगा, या 6 महीने पहले क्लासेस लिया होगा, तो वो सारे कंपाइलेशन, वो सारे तो आपके बुक में नहीं होंगे, वो तो नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है। उसका क्या करें, वो कहां जाएं, उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मैंने 151 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको बना दिया है। वो अमेंडमेंट्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है? मैं आपको प्रूफ देने वाला नहीं हूं, आप मेरी बात को ही प्रूफ मान के चले कि बहुत सारे कभी कभी इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस को चेंज कर देता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, हमने तो इंस्टीट्यूट के पुराने सॉल्यूशंस के हिसाब से कराया था, अब सॉल्यूशंस चेंज हो गए, तो मैंने उस 151 क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस भी डाल दिए। तो कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, 151 क्वेश्चंस करें, यही में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये मैं नवंबर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, 2020, उसके बाद फिर मई 21 वाले देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, प्लस उनके साथ और कुछ जुड़ जाएगा, फिर उसके साथ और कुछ जुड़ जाएगा, ये तो देख ही सकते हैं। बात समझ में आती है? आती है सर, प्रोवाइडेड आपका ये सारा चीज हो चुका है, 5 बार आप रिविजन कर चुके हैं, आपने आईसीआई का एक बार पास्ट ईयर सारा कंपाइलेशन कर लिया है, आपने थ्योरी कर लिया है, सब कुछ हो गया, तो फिर आप ये करें, नहीं तो पहले आप पहले वो सारा कंप्लीट करें, फिर आप ये करें, ठीक है सर? बहुत अच्छे से मैं सीक्वेंस बता रहा हूं आपको, ठीक है, फाइन। नॉर्मली बच्चों का कंप्लेन ये आता है कि हम बार बार यूट्यूब में नहीं आ पाते, बिकॉज देखिए हम बहुत ज्यादा, हमारा शेड्यूल बिजी रहता है, और आप लोगों को लगता होगा कि हम टीचर लोग बिजी कहां रहते हैं, तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि देखिए, एक सबसे पहले बात तो है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं, पूरे इंडिया में क्लासेस जा रही है, सैटेलाइट फेस टू फेस भी था, उसके बाद आपका ऑनलाइन मोड में आ रहा है, मोबाइल मोड में क्लासेस आ रही है, तो इतने सारे क्वेरीज आते हैं, कम से कम दिन के 4 घंटे 4 आवर्स क्वेरीज में लग जाते हैं, ठीक है? हाउएवर आई एम एमिंग फॉर 0% डाउट, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या कॉन्सेप्ट है 0% डाउट का, बट अभी क्योंकि एक एक बच्चे को क्वेरी अटेंड करना पड़ता है, आई नो कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने कभी क्वेरी नहीं पूछा, क्योंकि सर जब पढ़ाते तो सारा क्वेरी सॉल्व कर देते हैं वहां पर, फिर भी क्वेरीज आते हैं और सॉल्व करना होता है, प्लस उसके बाद एसएफएम के साथ साथ इलेक्टिव पेपर्स भी अब हो गए हैं, उसमें भी फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर अप टू डेट रखना पड़ता है अपने आप को, स्टॉक मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है, नोट्स अप टू डेट रखने पड़ते हैं। देखिए ये भी पूरा पूरा एक प्रोफेशन है, इट इज नॉट पार्ट टाइम टीचिंग इज नॉट, हाँ डेफिनेटली जब हमने कभी ज्वाइन किया होगा आज से बहुत साल पहले, 15 साल के आसपास, तो हमने यही सोचा होगा कि टीचिंग एक पार्ट टाइम के हिसाब से कर लेते हैं और साथ साथ कुछ और कर लेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी आज तक मुझे टीचिंग के अलावा कोई टाइम नहीं मिल पाया है, मतलब इसके ही दायरे में मैं अपने इतने सालों से काम कर रहा हूं और सक्सेसफुली बच्चों को मैं अपग्रेड कर रहा हूं, फाइनेंस के प्रति मैं उनको प्रेरणा दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो ये भी हो गया, तो ये सब कुछ यहां पे मिल जाएगा आपको, फाइन सर, ठीक है? कुछ एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, पुराने बैच के स्टूडेंट्स ने अगर क्लासेस की है उसके बाद आपने कुछ अपडेशन नहीं देखा है, तो 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट चुका है, हालांकि लेटेस्ट जो बैचेस कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी इसको हटा दिया है, 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट चुका है, और तीनों ही थ्योरी चैप्टर्स हैं, एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, एक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जिन जिन बच्चों ने
कुछ साल पहले क्लासेस लिया है, उन्होंने इस तीन चैप्टर को नहीं करना है एसएफएम में, ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। 24x7 आप जब चाहे डाउट पूछिए, विद इन 24 आवर्स हम कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। किसी भी सॉल्यूशन का अगर क्लास में नहीं हुआ है, उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, हम कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड करने की। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ आपके ये सफर को आसान बनाने की। मुझे पता है तकलीफें बहुत है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। ठीक है, तो आप प्लीज अपनी क्वेरी को सॉल्व करिए। मैंने क्लास में जो आपको ईमेल एड्रेस दिया उसमें आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी क्लासेस सारे मोड में अवेलेबल है, किसी भी मोड में आप क्लासेस कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर आपको क्लासेस करना वहां कर सकते हैं। अगर आपको या आपके फ्रेंड को या आपको इलेक्टिव पेपर का क्लासेस करना है, स्टॉक मार्केट की कुछ क्लासेस करनी है, तो आप इस आईडी पे मेल करें तो डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट विजिट कर लें adityjain.com। ठीक है, फाइन सर, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारे चीजें हमने बता दी है। हाँ, ये इस तरह के इमेजेस अब आफ्टर कोरोना दिखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, ये हमारे फेस टू फेस बैच का इमेज है, बट आई डोंट नो, अब तो पूरा एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा कोरोना आफ्टर कोरोना। अब स्टडी होगी बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, कि बिफोर कोरोना दुनिया कैसी थी और आफ्टर कोरोना दुनिया कैसी होगी। बट आई होप ये भी दिन आए, बच्चे इजिली बाहर निकल पाए और टीचर्स भी इजिली बच्चों को फेस टू फेस भी पढ़ा सके, सैटेलाइट मोड, पेन ड्राइव मोड, एंड्रॉयड फोन, सारे मोड्स में बच्चों को अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, फाइन, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात बोल दी। यहां पर सबसे मेन बात फिर से मैं रिपीट करता हूं, 151 questions, अच्छा मिलेंगे कहां ये सारे questions, कहां मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं इसके नीचे आपका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं एक लिंक दे देता हूं टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, उस ग्रुप में आप जाएंगे, उस ग्रुप वो अमेंडमेंट ग्रुप होगा, उस ग्रुप में इनके सारे इंफॉर्मेशन वहां लिखे होंगे। ठीक है, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, उस सारा इंफॉर्मेशन लिखा होगा, उससे जैसे जैसे चैनल बनता है वैसे वैसे आप वहां से फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक अमेंडमेंट ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद वहां पर सब चीजें लिखी हुई है, आराम से वहां पर आप चीजें पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट का आप नाम देखें और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें लिखी हुई है वो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, फाइन, तो और ज्यादा वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाते, आई नो योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल और आप फ्यूचर हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, इस माहौल को बस पास हो जाने दीजिए। बस हम लोग भी बहुत ज्यादा अब एक होता है ना कि खत्म ही नहीं हो रहा, ये इशू खत्म ही नहीं हो रहा कोरोना का, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया एकदम से। जब भी नेक्स्ट डे उठते हैं तो यही सोचते हैं कि भाई किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्लासेस स्टूडियो में किसको बुलाना है, एडिटर होते हैं, बहुत सारे स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत ज्यादा चिंता हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इस पूरे माहौल से आई होप ये दुनिया जल्दी से उभरे और इंडिया भी इससे ओवरकम करे। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी आगे जाकर, बट ये एक माहौल जो आया है, इस माहौल से हमें जल्दी से जल्दी निकलना है। आप भी पूरी सेफ्टी मेंटेन कीजिए, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप भी पूरी सेफ्टी मेंटेन कीजिए, आप भी 10 लोगों को बोलिए पूरी पूरी सेफ्टी मेंटेन करें। देखिए ये सबको अफेक्ट कर रहा है, सब आप अगर सेफ्टी नहीं मेंटेन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट करेगा, और मैं सेफ्टी मेंटेन नहीं करूंगा कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। ये ऐसा चीज है, ये दुनिया को जोड़ दिया, इसमें ना कोई धर्म ना कोई जाति ना कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए बराबर हो गया, क्या अमीर क्या गरीब, सबको एक जैसा रहना है, सबको बंद के रहना है, सबको ग्रुप में रहना है, सब इन द सेंस कि सबको इकट्ठे सोचना है कि इससे कैसे लड़ा जा सके, आपस में ना लड़के इससे लड़ने का सोचें, और इससे तभी लड़ सकते हैं जब हम सावधानी बरतें, बहुत सावधानी बरतिए। आपके हाथ में, हम सबके हाथ में अब ये फ्यूचर है इंडिया का, और हम इसको करके दिखाएंगे, इससे उभरेंगे, और डेफिनेटली वो दिन कितना अच्छा होगा जब इन सब चीजों से उभर जाएंगे।
आई थिंक वो एक ऐसा दिन आएगा कि कैद से हम निकलें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट कर रही है, आपका वेट कर रही है। तो फ्रेंड्स सावधानी बरतें, अपने फ्रेंड्स अपने जितने भी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बोले बिल्कुल गफलत ना करें, मास्क अच्छे से लगाएं। मैं देखता हूं लोग मास्क भी सही से नहीं लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि मास्क भी लोग सही से नहीं लगा रहे हैं। अगर मास्क भी सही से नहीं लगेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। जहां पे आप जा रहे हैं, आप भीड़ में जा रहे हैं, मास्क तो पहनना ही है आपको। अगर आपको अगर कोई कोरोना वायरस है तो आपको है तो आपने सबको फैला दिया, मुझे है तो मैंने सबको फैला दिया। तो सबको सावधान रहना है ना, इससे उबरना है कि नहीं उबरना है, उबरना है ना। बिल्कुल आपका एग्जाम देखे पोस्टपोन हो गया, कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है एग्जाम पोस्टपोन होना। फिर नवंबर में भी अगर हो जाए तो क्या पता, मतलब होना नहीं चाहिए एग्जाम पोस्टपोन, मतलब ये अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि आपका भी करियर है। लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, हेल्थ इश्यूज भी बहुत है। तो बहुत बड़ी विनम्रता है, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं कहा जा सकता, बस इस सिचुएशन से जल्दी उभरे। और इस सिचुएशन में आपको सावधानी बरतनी है, हम सबको सावधानी बरतनी है और हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आई विश कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स सिक्योर करोगे और SFM में आपको कोई चिंता नहीं होगी। आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर, SFM के ऊपर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। 2 मिनट है आपके पास, पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स CA में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन CA फाइनल SFM। जहां स्टूडेंट्स को CA पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां CA क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं, इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज, विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूँ विद मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।